तो अब तक इस लेसन का एक्सप्लेनेशन आपने जो देखा था, अब उसके आगे का हम देखते हैं। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवीनिंग डेकेड्स, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंटरव्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब क्या है कि जो आर्कियोलॉजी है, पुरानी चीज़ों को ढूंढने का और इनका जो मकसद है, तरीका है, और इसके अंदर जो लोग लगे होते हैं उनकी जो सोच है, वो सब बदल चुकी है। अब ये कार्टर के टाइम पे तो हो सकता है सोना मिलना और ये सारी चीज़ें मिलना कीमती, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा हो कार्टर के लिए, लेकिन आज की डेट में जो ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट काम करते हैं, उनको उस चीज़ का लालच उतना नहीं रहता है कि सोना मिलेगा या हीरे और ये सब चीज़ें निकलेंगी कीमती, बल्कि उनको इस बात का ये रहता है कि कोई भी पुरानी चीज़, ममी निकल रही है, कोई पुरानी इमारत खंडर निकल रहा है, तो उससे जुड़ी हुई क्या कहानी है और उसकी डिटेल्स क्या हैं, ज़िंदगी और मौत के बारे में कैसा क्या रहा, तो ये सारे चीज़ों का पता लगाना, फैक्ट्स एंड फिगर्स का जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, वो अब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन चुकी हैं। पैसों का लालच या कीमती चीज़ों का लालच नहीं है, जानकारियों का एक तरीके से उनका मकसद बन चुका है अब जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं या आर्कियोलॉजी है वो। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। और आज की जो आर्कियोलॉजी है वो पहले से ज़्यादा उनके अच्छे औजार हो चुके हैं और मेडिकल टेक्नोलॉजी भी यूज़ की जा रही है, जिससे कि और ज़्यादा से ज़्यादा सही सही जानकारी और सही तरीके से काम हो सके। इन 1968, मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट बीनिथ द रेजिन दैट केक्स हिज चेस्ट, हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। और 1968 में, यानी कि 40 साल के लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गए थे उसके बाद, जब ये मकबरा कार्टर ने ढूंढा था, टुट की जो ममी ढूंढी थी, उसके 40 साल से भी ऊपर के बाद एक एनाटॉमी के प्रोफेसर हुए, तो उन्होंने इसके एक एक्सरे किया, क्योंकि जब जो टेक्नोलॉजी होगी उसी तरीके से काम हो पाएगा। जब कार्टर था तो उस वक्त मान लो एक्सरे भी नहीं था, फिर कार्टर की जितनी जानकारी वो जुटा सका, जितना उसने रिसर्च किया, और उसके बाद जब ये 40 साल से ज़्यादा निकल गए, तो एक ये प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, उन्होंने एक्सरे की मदद से कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करने की कोशिश की, तो उससे एक बहुत ही हैरत अंगेज़ या ताज्जुब में डालने वाला एक फैक्ट सामने आया, एक बात सामने आई एक्सरे करने से। उसकी बॉडी के ऊपर ये जो जमी हुई थी किशमिश का जो एक पूरा जो पिघल के वो जम सा गया था, लेयर टाइप की जम गई थी, उसके नीचे जो सीने की हड्डी और कुछ पसलियाँ, आगे की दो पसलियाँ, वो गायब थीं। तो ये एक्सरे से पता चला, जो कि बड़ी ताज्जुब में डालने वाली बात थी कि ऐसा क्यों हुआ होगा। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और ये जो कंप्यूटेड टोमोग्राफी इधर लिखा है, ये इसी को सीटी स्कैन बोलते हैं। कंप्यूटेड टोमोग्राफी को सी और टी कर दिया और स्कैन सीटी स्कैन, और ये आगे लिखा है और सीटी, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर लाइक स्लाइसेस ऑफ ब्रेड टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। और इसमें क्या होता है, जैसे एक्सरे तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे हाथ या पैर का या बॉडी के किसी पार्ट का एक्सरे होता है, तो सामने से जैसे हम जो देखते हैं, तो एक तरीके से जो बॉडी के अंदर की हड्डियां हैं उसकी एक पिक्चर जैसी वो होती है एक्सरे। और सीटी में क्या होता है कि इंसान खड़ा हुआ है तो जिस तरीके से किसी ब्रेड के पीस होते हैं, स्लाइस होते हैं, या कोई खीरा है लंबा, उसको हम स्लाइसेस में काट दें, तो इसी तरह के इंसान को भी स्लाइसेस में उसके एक्सरे होता है, और बहुत सारे उसके बहुत 1 मिलीमीटर से भी कम की दूरी के बहुत सारे एक्सरेज होते हैं। यानी आपको सबको मालूम होगा 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10 मिलीमीटर को मिला के 1 सेंटीमीटर बनता है, और फिर एक एवरेज इंसान की, जो अगर आप लोग स्टूडेंट हैं क्लास 11th के, तो आप लोग की किसी की अगर हाइट 5 फुट 3 इंच है, और अगर उसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें, तो मान लीजिए कि
165 सेंटीमीटर 70 सेंटीमीटर किसी की हाइट है तो उसको अगर 10 में मल्टीप्लाई कर दें तो उतने हो गए मिलीमीटर्स, यानी 170 सेंटीमीटर्स को अगर मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 170 को 10 से करने पे 1700 मिलीमीटर्स हो जाएंगे। तो जितने मिलीमीटर हुए अगर हम उतने ही डिस्टेंस के सीटी स्कैन मान लें तो यानी कि ये समझा जा सकता है कि इंसान के 1700 या 2000 एक्सरे निकाले गए किस तरीके से एक स्लाइस के तौर पे, जैसे ब्रेड के स्लाइस होते हैं और फिर उनके शेप के हिसाब से उसका एक पूरा वर्चुअल बॉडी इमेजिन कर ली, एक 3D फिगर बन गया स्क्रीन पे, हमें उसकी सारे इमेजेस को जोड़ के एक उसकी बॉडी का शेप और एक वर्चुअल बॉडी हम बना के तैयार करके देख सकते हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टूट देन द एक्सरे, और अब ये जो सीटी हो रहा था ये और क्या नई चीज़ की जानकारी निकाल के दे सकता था जो कि एक्सरे ने नहीं निकाली थी। जो एक्सरे 1968 में हो चुका था, अब उसमें और कैसा क्या नया ये सीटी स्कैन से जाना जा सकता था। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, और क्या ये सीटी स्कैन से नया क्या मिलेगा, ये तो एक अलग सवाल था। लेकिन साथ ही दो और बड़े सवाल थे जो कि खड़े हुए थे कि क्या सीटी स्कैन करने से उन दो सवालों का जवाब मिल पाएगा, जिसमें से एक सवाल ये था कि वो मरा कैसे राजा टूट, और जब वो मरा तो उसकी उम्र कितनी थी एग्जैक्ट। अंदाज से तो हमने पता चल चुका हमको कि वो एक टीनेजर था, और टीनेजर भी उसके लास्ट के जो टीनेजिंग के जो टीनेजर के साल होते हैं आखिरी के सालों में वो था, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पता। एक टीनेजर होता है 13 से लेकर 19 ईयर्स के बीच, और लेट टीनेजर माने तो 17, 18, 19 इस तरह की एज हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट फिर भी नहीं पता थी एज। तो ये भी वो लोग सोच रहे थे कि क्या सीटी स्कैन से उसकी एग्जैक्ट एज और मरने का रीज़न पता चल सकता है क्या। अब किंग टूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, और उसकी किंग टूट का जो मौत थी वो एक बहुत बड़ी घटना थी, चाहे वो उनके शाही जो परिवार था उसके हिसाब से भी देख लें तो भी जो ये राजा टूट था इसकी मौत काफ़ी बड़ी एक घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी, क्योंकि वो अपने जो एक परिवार का आखिरी सदस्य था, वंश जो चला आ रहा था उनका, जो राज करते आ रहे थे उसका जो पूरा खानदान था उसका, वो एक तरीके से आखिरी वारिस था, और उसकी जो मौत थी वो एक तरीके से उसके राज परिवार की या उस खानदान की, जो खानदान राज करता चला आ रहा था उसकी भी मौत थी ये। लेकिन बट द पर्टिकुलर ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई और उसके बाद के क्या रीजंस थे, परिणाम क्या था, मौत के बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी। एमेनोटेप 3 टूट्स फादर और ग्रैंडफादर वाज अ पॉपुलर फैरो हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 डेकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टीज गोल्डन एज, और टूट का जो फादर या दादा जो कि एमेनोटेप 3 था वो काफ़ी ताकतवर एक राजा था, जिसने 18वां जो राजवंश चल रहा था उधर इजिप्ट में इन लोगों का, उसके एक तरीके से गोल्डन पीरियड, उसका एक सुनहरा काल, सुनहरा टाइम जो हो सकता था। सुनहरा टाइम उसको बोला जाता है कि जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा उनका एक तरीके से पावर में रहे हों, वो बहुत शानदार उनका राज चल रहा हो, तो वो उनका एक गोल्डन पीरियड माना जा सकता था। तो ये टूट के फादर या ग्रैंडफादर के टाइम पे वो गोल्डन पीरियड उस वक्त वहाँ पे रहा था, और उस टाइम पे इसके बाप या दादा ने राजा टूट के 4 दशक यानी कि 40 साल तक वहाँ पर शासन किया था, और उसका जो बेटा था एमेनोटेप 4 वो उनका उत्तराधिकारी बना। एज ए सन एमेनोटेप 4 सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एंशिएंट इजिप्ट, और जो एमेनोटेप 4 था, 3 के बाद 4 ये आया, तो ये इनका उत्तराधिकारी बना, और इसने जो पुराना जो मिस्र का इतिहास था उसमें उसने एक अजीब युग की, अजीब टाइप के दौर की शुरुआत की। द न्यू फैरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द 18 द सन डिस्क,
changed his name to Akhenaten or Servant of the Aten and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten. तो ये जो नया फेरो बना जो एमेनोटेप 3 का उत्तराधिकारी था एमेनोटेप 4, तो उसने जो ये अजीब युग की शुरुआत की थी उसमें क्या किया उसने कि उसने नई तरह की पूजा पद्धति नए सिस्टम शुरू कर दिए पूजा के रिलीजियस जो उनके धार्मिक चीज़ें हुआ करती थी कि सूर्य चक्र की सूरज के चक्र की पूजा करवाना शुरू कर दी और अपना नाम भी बदल के एमेनोटेप 4 से बदल के Akhenaten रख दिया जिसका कि मतलब था Aten का सेवक और Aten जो था वो सूर्य चक्र का को कहा जाता है जिसकी पूजा उसने करवाना शुरू कर दी थी और उसकी जो अपनी धार्मिक राजधानी थी वो पुराने टाइम से जो शहर एक चला आ रहा था धार्मिक राजधानी ऐसे कह सकते हैं कि जैसे आज हमारे कंट्री की राजधानी न्यू दिल्ली है लेकिन जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिलीजियस प्लेस के बारे में मान लो उसको मान्यता दी जाए जैसे हम ये जानते हैं कि लोग बाग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं तो जैसे हरिद्वार हो गया और जो आपके वैष्णो देवी हो गया कैलाश पर्वत ये सब जो चीज़ें होती हैं इनकी मान्यता रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है तो देश चलाने के लिए राजधानी नई दिल्ली हो सकती है लेकिन रिलीजियस के हिसाब से दूसरी सिटी जो हो सकती है वो बड़ी मानी जाएगी। तो यहाँ भी ऐसा ही था कि जो थीबस जगह थी वो रिलीजियस कैपिटल थी यानी कि एक रिलीजियस के तौर पे उसी को कैपिटल माना जाता था और उस सिटी को भी उसने बदल के दूसरे शहर पे ले गया जो कि अब अमरना के नाम से जाना जाता है। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग एमन अ मेजर गॉड स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स और उसने और ज़्यादा लोगों को शॉक्ड कर दिया लोगों को बिल्कुल लोग भौचक्के रह गए जब उसने वहाँ के एक पुराने जो देवता माने जाते थे एमन उस पे मंदिरों पे अटैक करके उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया और उससे क्या हुआ लोगों की और उसकी कंट्री में एक घबराहट टाइप की फैल गई कि ये क्या कर रहा है तो लोगों को ये लगा कि ये तो बिल्कुल दिमाग इसका बिल्कुल उलट ही गया है क्योंकि जो जिसको वो लोग सबसे ज़्यादा अपने देवी देवता मानते थे उसी के तोड़ के ये सब चीज़ें और पूरा सिस्टम ही बदल दिया कि पूजा भी बदल दी कि इनकी नहीं इनकी करो और मंदिर सब तोड़ दिए। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम सेड रे जॉनसन्स डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर ऑफ लग्जर द साइट ऑफ एंशियंट थेबिस द फैमिली दैट रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन Akhenaten वेंट अ लिटिल वैकी और अब ये जो एक रे जॉनसन है डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के जब ये सब चीज़ें फैक्ट जो थे इनके ऊपर उन्होंने कहा कि ये काफ़ी भयानक समय रहा होगा क्योंकि ये समझा जा सकता है कि कोई भी कंट्री है जहाँ पर पूरी जनता या पूरा जो वहाँ की प्रजा है वो जिस चीज़ को रिलीजियस चीज़ को मानती है पूजा करती है वहाँ का राजा खुद उसी चीज़ को अगर नष्ट करे और सबसे कहे कि अब इसको नहीं इसको पूजो तो क्या होगा तो इस तरीके से ये समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक भयानक टाइम रहा होगा वो। और रे जॉनसन ये कहते हैं कि जिस परिवार ने शताब्दियों तक शासन किया था और एक तरीके से उसका खात्मा हो रहा था और जो ये राजा था Akhenaten जिसने एमेनोटेप 4 के बदले में अपना Akhenaten नाम रख लिया था वो थोड़ा सनकी टाइप का भी एक तरीके से हो गया था। आफ्टर Akhenaten's डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड Smenekhkare अपियर्ड ब्रीफली एंड एग्जिटेड विथ हार्डली अ ट्रेस और जब ये Akhenaten की डेथ हुई तो एक बहुत ही कम टाइम के लिए एक रहस्यमय टाइप का शासक Smenekhkare नाम का जो आया वो काफ़ी कम टाइम के लिए और आगे और चला भी गया उसका कोई ऐसी निशानी नहीं छोड़ी उसने कि जिससे कोई उसका हिस्ट्री में नाम रहे या इतिहास में कि उसने ये किया था या वो किया था। तो एक वो शासक आया उसके बाद फिर ये आए Tutankhamun जिनकी ये राजा टुट जिसको बोला जा रहा है एंड देन अ वेरी यंग Tutankhaten took the throne और उसके बाद एक ये बिल्कुल युवा जो राजा बना Tutankhaten उसने वो गद्दी पे बैठा किंग टुट एज ही वाइडली नोन टुडे और जिसको कि ज़्यादातर आज की तारीख में
हम किंग टुट के नाम से शॉर्टकट में, उसका नाम टुट, टूटन खातन उसके ओरिजिनल नेम था, बाद में उसने अपना नाम भी बदल लिया था, लेकिन आज उसको किंग टुट के ही नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामन। अब ये क्यों नाम चेंज किया था कि जो इसने एक तरीके से जो पुराना जो देवता को वो तोड़ दिया था एकेंटन ने, मंदिर तोड़ दिए थे, मूर्तियां तोड़ दी थी, पूजा करने का सब तरीका बदलवा दिया था, तो इसने अपना नाम उन्हीं के ऊपर रखा जिसका जो नाम रखा टूटन खामन, तो उसका मतलब था लिविंग इमेज ऑफ एमन, एक तरीके से जीती जागती मूर्ति एमन की ये कहा जा सकता है। तो अपने आप को उसने उसी देवता का एक जीता जागता प्रतिरूप, एक रूप बताने की कोशिश की, एक अवतार बताने की कोशिश की अपना नाम करके बदल के, जिस देवता की मूर्ति को उसके पहले के शासक ने इस तरह से ख़त्म कर दिया था। एंड ओवर सॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और इस तरीके से उसने पुरानी जो ज़माने की बातें थीं, उनके लोगों के वहाँ के रिलीजियस बिलीफ थे, उनकी आस्था थी, उनके पूजा करने की जो तरीके थे, वो एक तरीके से दोबारा वापस लाने की उसने ये कोशिश करी। ही रेंड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और उसने 9 साल तक राज किया और फिर अचानक इस तरह से उसकी डेथ हो गई बिना किसी उम्मीद के, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसे उसकी डेथ हो जाएगी। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशंस अबाउट हिज फेट, टूट इज वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट, हाउ मैनी नो वन नोज। और उसकी जो ये फेमस हो गया, वो अगर उसको हम छोड़ दें जो जिस तरह से वो फेमस हो चुका है, तो टुट जो है, राजा टुट जो है, वो मिस्र में जो काफ़ी सारी ममीज़ हैं उनमें से एक ही है ये, ऐसी बहुत सारी वहाँ पे ममीज़ हैं, और जितनी ममीज़ हैं हो सकता है कि उतनी ही कहानियाँ भी जुड़ी हुई हों। जिस तरह से आज हम ये राजा टुट की कहानी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर सैकड़ों ममीज़ हैं, उनके साथ भी सैकड़ों कहानी कुछ ना कुछ जुड़ी होंगी। अब वहाँ कितनी ममी है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगैन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। और जो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था मिस्र में, ममी प्रोजेक्ट, जो कि 2003 में शुरू हुआ था, और वहाँ उसने ममियों को ढूंढ के गिनना शुरू किया, तो अब तक 600 की तो पता चल चुका है उस प्रोजेक्ट, उस अभियान के तहत, और गिनती अब भी चल रही है, तो अब और कितनी निकलेंगी ये तो अभी पता नहीं है। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द ममीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। और अब ये कि जो ये इनकी ममीज़ की स्कैनिंग ढूंढने के बाद, उनकी स्कैनिंग होना थी, और जो स्कैनिंग हो रही थी वो एक पोर्टेबल सीटी स्कैन मशीन थी जिसको यहाँ वहाँ ले जाया जा सकता है, और जो नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी और सीमेंस जो जिसने ये मशीन बनाई थी कंपनी ने, उनने मिलके ये दान की थी इस प्रोजेक्ट के लिए कि ममीज़ का सीटी स्कैन करने के लिए ये इनकी तरफ से डोनेट की गई थी। किंग टूट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ममीज़ टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। और जो किंग टूट था वो शुरुआती था, सबसे पहले जिसकी स्कैनिंग हुई उनमें से था, जिस तरह से जब वो ज़िंदा था तब पब्लिक के वो सबसे आगे रहा, पब्लिक ने उसे एक तरीके से आगे रखा वहाँ की जनता ने, तो आज भी वो सबसे आगे ही रहा, क्योंकि शुरुआत में सबसे पहले उसकी ममी की ये सीटी स्कैन हो रहा था। अ सीटी मशीन स्कैन द ममी हेड टू टो क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। और ये जो सीटी मशीन थी, इसने जो ममी थी राजा टुट की, उसको सर से लेके पैर तक 1700 डिजिटल एक्सरे क्रॉस सेक्शन में किए। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि सामने अगर कोई इंसान खड़ा है तो आड़े में लेफ़्ट टू राइट एक स्लाइस जैसे काटते हुए एक्सरे हुए। एक एक्सरे तो होता कि सामने से लिया जाएगा जिसमें हम कंकाल को देख सकते हैं कि ये हाथ है, ये रिब्स हैं, लेकिन एक तरीके से स्लाइस के तौर पे सर के ऊपर अगर कैमरा लगा दिया जाए, इसको इस तरह से समझ सकते हैं आप कि सर के ऊपर हमारे कैमरा फिट कर दिया जाए और पतले पतले स्लाइस काटते जाएं और फ़ोटो खींचते जाएं, तो हर स्लाइस की गोल गोल वैसी जो फ़ोटोज़ आएंगी
जहाँ पे हमारा सर या बॉडी कम होगी वहाँ कम आएगा, गर्दन के हिस्से पे कम हो जाएगा, फिर शोल्डर्स पे चौड़ा हो जाएगा, इस तरह से फ़ोटो खिंचती चली जाएगी और फिर उन सारी फ़ोटोज़ को मिला के एक पूरी इमेज तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से वो सारे जो एक्सरेज हुए जिनकी की मोटाई 0.62 मिलीमीटर थी, यानी 1 मिलीमीटर से भी कुछ कम के थे स्लाइस, वो उनको करा गया और फिर टूट साइड स्कैन इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स टेक ऑन ईरी डिटेल इन द रिजल्टिंग इमेज। और जो उसका जो एक्सरेज थे 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में लिए, और ताकि कि उसकी जो बिल्कुल एक तरीके से इतनी जटिल रचना थी उसको एक बड़ी इमेज बनाई जा सके, उसकी एक बड़ा फिगर उसका बॉडी का बनाया जा सके, जिससे उसकी पूरा कैसा उसका शरीर था, कैसा शेप था उसका, वो पता चल सके। विटटूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ ग्लाइडेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। और जो ये एक्सरे लिए गए थे तो उसके जो चित्र तैयार करने के लिए ये रेडियोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस ने शरीर की जो रचना करने के लिए जो एक स्पेशलिस्ट थे उसके दल ने, उनके टीम ने उन पूरी मिस्ट्रीज़ को अच्छी तरह से जांच पड़ताल शुरू की। और जब ये टुटका ये एक पिक्चर तैयार हो गई, 3 डायमेंशनल एक डिजिटल इमेज तैयार हो गई, तो जो पूरी एक टीम थी रेडियोलॉजी की और फॉरेंसिक साइंस की, तो उन्होंने सारी मिस्ट्रीज़ को पता लगाना शुरू किया कि फिर उसमें क्या क्या पता चल सकता था। और उनके हिसाब से जिसकी जो रक्षा थी एक तरीके से वो अभी तक सेफ है, सब कुछ है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई कुदरती ताकत उसको अभी तक सेफ रखे हुए थी, जिससे कि वो अभी भी उनका जो सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकें। वो ऐसे हालत में जो उनको मिला था तो उससे ऐसा लगता था कि शायद कोई कुदरती ताकत थी जो अभी तक इसको सेफ रखे हुए थी। और जहाँ पे जो लाइन है कि जिसकी रक्ष, ये जो लाइन है इंग्लिश में कि दैट द विंग्ड गॉडेसेस ऑफ अ ग्लाइडेड बुरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, और जिसको की जो जिसकी रक्षा सुनहरे मकबरे की पंखों वाली देवियाँ अभी तक कर रही थी। पंखों वाली देवियाँ का मतलब परियाँ कह सकते हैं, जिनके पंख होते हैं, जिनको हम एंजल्स कह सकते हैं, उन वो एक तरीके से एक कहने के उसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि वो उनकी रक्षा कर रही थी अभी तक इसकी इन सब चीज़ों की। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। तो जो स्कैन वाली रात थी उसमें जो काम में लोग लगे हुए थे उन्होंने टूम में से उसको निकाला, टूट को उसके बॉक्स में। लाइक पॉल बियरर्स द क्लाइम्ब द रैम्प एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स इन टू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड देन रोज ऑन टू हाइड्रोलिक लिफ्ट इन टू द ट्रेलर एंड हेल्ड द स्कैनर। और एक तरीके से जैसे कि अर्थी को उठा के ले जाया जाता है स्ट्रेचर पे, उस तरह से वो उठा के एक ढलान पे उतरे, फिर सीढ़ियों पर चढ़कर जो रेत हवा चल रही थी, जैसा बताया जा रहा है सबसे पहले लेसन की शुरुआत में एंग्री विंड स्टर्ड घोसली डस्ट डेविल्स जो पढ़ा था हमने, कि जिस तरह से हवा चल रही थी और ये धूल के बमर जो उठ रहे थे उसमें से होते हुए, फिर ये एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के थ्रू उसको ट्रेलर में ले आए जहाँ पर स्कैनर रखा हुआ था। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज्ड स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय एंड रिटर्न्ड विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। कर्स ऑफ द फैरो जोक्ड अ गार्ड नर्वसली। और जब ये उसके मम्मी को वहाँ ले गए थे, उसके 20 मिनट के बाद वहाँ से 2 आदमी बाहर आए दौड़ते हुए ऑफिस में गए और वहाँ से प्लास्टिक के पंखे लेके वापस गए, क्योंकि जो मशीन थी, जो स्कैनर था सीटी स्कैन की जो मशीन थी, जबकि वो 10 मिलियन डॉलर की थी और उसके जो स्कैनर था वो बंद हो गया था, क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए जो पंखे लगे रहते हैं उसमें रेत भर गई थी। और जब वो रुक गई तो वहाँ के जो गार्ड वगैरह थे तो उन्होंने एक मजाक में ये भी कहा कि फैरो का शाप लग गया, जैसा कि पहले ये बात हो चुकी है कि एक ये बात मान्यता थी, मानी जाती थी
कि जो फेरो उसको डिस्टर्ब करेगा तो उन फेरो उसका श्राप उस उन लोग को लगेगा। तो वहाँ के जो गार्ड थे वो कुछ घबराहट में कुछ मजाक में ये वाली बात कर रहे थे कि देखो ये मशीन रुक गई, फेरो का श्राप लग गया। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट फैंस वर्कड वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और आखिरकार जो उसको एक पंखे जो लेके गए थे, जो उसके पंखे रुक गए थे, तो ये वाले जो पंखे लेके गए थे तो उन्होंने सही काम किया और पूरा प्रोसीजर एक तरीके से ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम। और जब काम करने वालों ने ये चीज़ चेक कर ली कि कोई डेटा या कोई इन्फॉर्मेशन लूज़ तो नहीं हो गई, मशीन बंद होने की वजह से कोई चीज़ छूट तो नहीं गई, रह तो नहीं गई, तो फिर उन्होंने जो टूट का जो मम्मी थी वो वापस उनको लोगों को सौंप दी जो उसको वहाँ से लेके आए थे, और ये उसको वापस मकबरे में ले गए। लेस देन थ्री आवर्स आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनरी प्रीस्ट्स हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो। और मुश्किल से 3 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि ये जो टूट की मम्मी थी जिसको मकबरे से निकाल के लाया गया था सीटी स्कैन करने के लिए, वो वापस वहीं पर पहुंच गई थी जहां पर उसको जब कभी किसी पुजारियों ने दफन किया होगा, और जहां वो इतने टाइम से लेटा था रेस्ट कर रहा था उसी जगह पे वो दोबारा पहुंच गया था। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टूट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। और ट्रेलर के अंदर वापस आकर उन लोगों ने, जो लोग टेक्नीशियंस थे, उन्होंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर टूट के कई बड़े आश्चर्यजनक चित्र लिए, फ़ोटो खींची उसकी जो बहुत अमेजिंग थी, एक आश्चर्य पैदा करने वाली। अ ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम अ स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड अ टेक्नीशियन स्पन एंड टिल्टेड इट इन एवरी डायरेक्शन। और वो सारी जो पिक्चर्स से उनने मिला के एक शेप बनाया चेहरे का, जिसको कि जो टेक्नीशियंस थे वो आड़ा तिरछा ऊपर नीचे कहीं भी स्क्रीन के ऊपर उसको घुमा सकते थे। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। और जो गर्दन की जो हड्डियां, गर्दन की हड्डी के जो गुरिये थे वो बड़े आराम से क्लियर दिखाई दे रही थी, जैसे कि बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाते टाइम डायग्राम में पढ़ाया जाता है, इस तरीके से क्लियर दिख रही थी। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड अ ट्रांसेक्शन ऑफ द स्कल। और बाकी की जो इमेज थी वो पूरा जो रिब केज है, पसलियाँ, पिंजर, वो सब, और जो खोपड़ी होती है उसके भी सब पार्ट्स आसानी से दिखाई दे रहे थे। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ। सिटिंग बैक इन हिज चेयर ज़ाही आवाज स्माइल्ड, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग। और अब एक तरीके से टेंशन की ख़त्म हो चुकी थी सबकी, जितने लोग लगे हुए थे, और जो जनरल सेक्रेटरी थे ज़ाही आवाज, वो अब चैन से जाके कुर्सी पे और बैठ के मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनको अब सुकून मिल गया था, चैन मिल गया था कि कहीं कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं हुई और आसानी से सब पूरा ये सीटी स्कैन वगैरह हो गया। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, नो नॉट फॉर अ सेकेंड, ही सेड, आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। और उनने क्या कहा ज़ाही आवाज़ ने, कि मैं जो है पिछली रात एक सेकेंड भी नहीं सो सका, मुझे इतनी चिंता थी, लेकिन अब लगता है कि मैं चिंता से फ्री हो गया हूँ और अब मैं जाके आराम से सो सकता हूँ। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। और जब तक कि हम ट्रेलर से उसकी जो मेटल की सीढ़ियाँ थी ट्रेलर की, ट्रेलर का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जो बड़ा सा ट्रक का एक बड़ा कैबिन जैसा होता है लंबा, और उसके अंदर ये सारी मशीनें हैं और ये सब होता है, तो वहाँ से चूँकि वो सब बॉडी लोहे की और मेटल की बनी होती है, तो उसी मेटल की सीढ़ियों से उतर के रेतीले मैदान में लोग आए, तो तब तक हवा चलना बंद हो गई थी। यानी जो पहले हवा, जिसको ये लोग कह रहे थे कि एंग्री विंड, जिसको लग रहा था कि हवा गुस्से में चल रही है, वो विंड, वो हवा स्टॉप हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इट्सेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड। और जो
ये जो वैली थी पूरी, जहाँ पे ये एक तरीके से सारे समाधियाँ और सारे कब्रिस्तानी जैसा था वो, और उसकी अब हवा बिल्कुल ठंडी और शांत पड़ चुकी थी, जैसे कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है, जैसे मौत होने पे इंसान ठंडा पड़ जाता है उस तरीके से। जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टूट्स टूम स्टूड ओरियन, द कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियंस न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, वॉचिंग ओवर द बॉय किंग। और जब ये सब हुआ तो ये टुट का जो मकबरा था उसके ऊपर आसमान में एक कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन आप जानते होंगे, आसमान में जगह जगह ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, तारों का एक समूह होता है जिसको तारामंडल बोलते हैं, तो उनके अलग अलग शेप होते हैं, आपने भी इनके बारे में पढ़ा होगा, और वो हमेशा वैसे ही थोड़ा थोड़ा उनकी पोजीशनिंग चेंज होती रहती है, लेकिन जितने ग्रुप में रहते हैं वो अपना हमेशा वैसे ही रहते हैं। तो एक जो इसका तारामंडल का नाम था ये था ओरियन, और जो ओरियन तारामंडल था उसको पुराने जो मिस्र के लोग थे वो ओसिरिस जो इनका एक देवता था मरने के बाद की ज़िंदगी का उसकी आत्मा मानते थे, और वो जो तारामंडल था वो उस समय जिस समय ये सब स्कैनिंग वगैरह होके ख़त्म हुई तो वो मकबरे के ठीक ऊपर वो तारामंडल दिखाई दे रहा था, जिसको कि पुराने मिस्र के लोग अपने एक मौत के बाद के जीवन के देवता ओसिरिस की आत्मा मानते थे। तो ये एक तरीके से जैसे निगरानी टाइप की कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो उसके मकबरे को देख रहा है। तो यहाँ पर अब ये एंड हो गई है कहानी, और उम्मीद है कि ये आपको इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप पूछ के क्लियर कर सकते हैं। इनके बारे में इनके और जो क्वेश्चन आंसर्स ये वो होंगे ये आपको आगे बता दिए जाएंगे। तो ओके, गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।